मशरूम की वैसे हजारों किस्में हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही किस्में खाने लायक हैं, जिसमें से बिहार के लिए तीन तरह के मशरूम को व्यावसायिक उत्पादन के लिए बेहतर माना गया है, जिसमें से ओएस्टर मशरूम, बटन मशरूम और दूधिया या मिल्की मशरूम की व्यावसायिक खेती की जा सकती है। हमने एक भाग में ओएस्टर मशरूम के बारे में सिलसिलेवार जानकारी दी है, आप उक्त भाग में ओएस्टर मशरूम उत्पादन के बारे में सीख सकते हैं। वास्तव में ओएस्टर मशरूम का उत्पादन ठंड के दिनों में की जा सकती है और बिहार के हजारों महिलाओं ने इसे एक जीविकोपार्जन के रूप में अपनाया है, लेकिन मार्च अप्रैल के बाद इसकी खेती न के बराबर हो पाती है। इसीलिए आज हम आपको गर्मी में उगाई जाने वाली मिल्की मशरूम यानी दूधिया मशरूम की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाले मशरूम में दूधिया या मिल्की मशरूम, जिसे कि कैलोसाइवी इंडिका कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी खेती अधिकतम तापमान में आसानी से की जा सकती है। दूधिया मशरूम में कवक जाल फैलाव के लिए 28 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान और नमी 80 से 90 प्रतिशत होनी चाहिए। ऊंचे तापमान पर भी यह अच्छा पैदावार देता है। वैज्ञानिक तरीका अपनाकर आप गर्मी के मौसम में दूधिया मशरूम को आसानी से उगा सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।